हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पढ़ना और लिखना, इंग्लिश लिखना और पढ़ना मैंने सिखा दिया, सारे के सारे वीडियो डाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है मुझे कि आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। आपको क्या करना है, इतने सारे वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद आप बच्चों की बुक लीजिए, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, स्टेप बाय स्टेप बच्चों की बुक लीजिए और उसको इंग्लिश में जो भी लिखा है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और पढ़ने के सारे तरीके मैंने बताए दिए हैं, और ज़्यादा बेहतर होगा कि कोई किसी को अगर इंग्लिश पढ़ने आती है तो उसको आप पास में बिठाएं, सामने में, उसके सामने में आप बैठकर सिर्फ 5 मिनट आपको मेहनत करनी है। बस 5 मिनट आप मेहनत करते रहो, आपने बुक पढ़ना शुरू कर दी है, धीरे धीरे 1 महीने आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि एक दिन आप किसी भी क्लास की बुक, किसी भी स्टैंडर्ड की बुक आप पढ़ सकेंगे इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज से शुरू करते हैं आप इंग्लिश बोलना और समझने वाली चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, तो हालांकि ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बट एक नई तरीके से शुरू करना चाहता हूँ मैं, ताकि वैसे लोग जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही शुरुआत से उनको मैं शुरू कर रहा हूँ। और आज से हर क्लास में मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपके, आपको उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में दूंगा तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में दूंगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ओके फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस से, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक न एक दिन आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे जो पहला स्टेप है जानना ज़रूरी ये है कि बेसिक वर्ड्स क्या क्या होते हैं, बेसिक वर्ड्स किन को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो बिल्कुल ही शुरुआत स्टैंडर्ड से ही पढ़ाया जाता है लोगों को, बच्चों को, वो सब बेसिक वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, देयर, हियर, माय, योर, ये सब जो नॉर्मली यूज होने वाली चीज़ है, जो ज़्यादातर ऑफनली यूज होती है, उनको हम बेसिक वर्ड्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा बेसिक वर्ड्स। आप इन बेसिक वर्ड्स को अच्छी तरह से देख लो नोटबुक। ओके फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इन्हीं बेसिक वर्ड्स के आधार पर सेंटेंसेस बनाना। सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला और शुरुआत होती है, वो क्या है, इज आर, इज आर और एम। ओके फ्रेंड्स, मैं ग्रामर की गहराई में नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको स्पीकिंग सिखाना चाहता हूँ, स्पोकन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश समझना। ओके फ्रेंड्स, सो सेंटेंसेस का फॉर्मुलेशन और सेंटेंसेस को बनाना कैसे है वो सीखना है बस। ओके फ्रेंड्स, इजारम क्या है, इजारम एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और ये इनका जो इस्तेमाल होता है यही सीखना है हमें। इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और वो 24 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही हमें सीखना होता है। ओके फ्रेंड, सबसे पहले हम इजारम का इस्तेमाल सीखते हैं। इजारम एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। जो भी बातें हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, जिस सेंटेंस में भी अंत में है, हूँ, हो, है, आ रहा है, उसको हम प्रेजेंट कह रहे हैं। जैसे यह मेरी पेन है, वह मेरा घर है, तुम एक अच्छे लड़के हो, वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेज है वो प्रेजेंट में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, और प्रेजेंट में भी बेसिक सेंटेंसेज है, जो नॉन वर्बल सेंटेंसेज है, जिसमें कोई वर्ब नहीं आता है, जिसमें सब्जेक्ट कोई क्रिया या कोई काम नहीं कर रहा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से यह एक घर है, यह एक सुंदर घर है, वह तुम्हारा घर है, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे तो उसको हम बनाने के लिए इजारम का इस्तेमाल करते हैं। और इज कहाँ पर इस, कहाँ आर और कहाँ एम का इस्तेमाल करते हैं ये सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल है, आई के साथ हमेशा एम, यू के साथ हमेशा आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा भी इसमें संकोच नहीं करना है, कोई भी डाउट नहीं करना है। आई के साथ हमेशा एम, यू के साथ हमेशा आर, और इन दोनों के अलावे, ये जो दोनों हो गए, अब इन दोनों को छोड़कर जितने भी सेंटेंस में, जो भी, अगर हम जब कभी भी सेंटेंस में इन दोनों को छोड़कर
हम जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी एक की बात करते हैं, एक चीज की बात करेंगे सिंगुलर नंबर की, तो उसमें हम इज लगाएंगे। तो हम सीधा लिखते हैं एक के लिए इज लगाएंगे, ओके फ्रेंड्स, इज। और एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा तो आर। बहुत ही सिंपल है, आपको यह समझ में आ गया, आई के साथ एम, यू के साथ आर। एक के लिए यानी एक की बात करेंगे तो इज, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो आर। अभी सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान हूं, यह हो गया प्रेजेंट का टेंस सेंटेंस हो गया, यह हो गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंसेस। मीन्स वो टेंस नहीं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, वो नहीं, बस प्रेजेंट है ये और प्रेजेंट के सेंटेंसेस है, जिसमें भी आए हूँ, हो लास्ट में आए, वो प्रेजेंट होता है। तो मैं के लिए आई, आई के साथ क्या एम, और एक के लिए ये लिखते हैं, किसान के लिए फार्मर, ओके फ्रेंड्स। अभी इसी में लिखेंगे, अगर हम तुम एक किसान हो, तुम एक किसान हो, तो तुम के लिए यू, यू के साथ क्या है आर, ए फार्मर। अगर वह एक किसान है, वह एक किसान है, तो वह के लिए इंग्लिश हम दैट भी लिखते हैं और ही भी लिखते हैं, आदमी के लिए ही, ओके फ्रेंड्स। आदमी के लिए बात कर रहे हैं हम अगर, तो ही का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, और दैट का इस्तेमाल हम कब करते हैं वो ग्रामर की चीज़ है, हम आपको बाद में कभी बता देंगे। फिर भी एक शॉर्टकट में आप समझ लो कि दैट ज़्यादातर हम वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर आदमी की बात हो रही हो तो हुआ, अगर लड़की है तो शी, अगर लड़का है तो ही, ओके। तो यहाँ पे लड़का है, ही इज अ फार्मर, ठीक है। ये सब किताबें हैं, तो ये सब का इंग्लिश अभी मैंने आपको बेसिक वर्ड में दिखलाया था, तो दीज आर हो जाएगा, दीज आर बुक्स, ओके फ्रेंड्स। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि इज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है और एम कहाँ लगाना है, ठीक है। राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल इज अ गुड प्लेयर। राहुल के साथ इज क्यों लगा, एक की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर एक की बात हो रही है, एक चीज़ की बात हो रही है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे जानवर हो, एक चीज़ की बात हो रही है तो उसमें इज लगाएंगे, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो उसमें आर लगाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी हम कुछ सेंटेंसेज लेते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेज लेते हैं, और उसको बनाते हुए हम आपको बताते जाते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। और वीडियो के लास्ट में, आप वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर, और वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे सेंटेंसेज दूंगा मैं घर पर प्रैक्टिस करने के लिए, और उन सेंटेंसेज को आपको घर पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो उसका मैं आंसर दूंगा उससे आपको मैच करना है, फिर आपको खुद को परीक्षण करना है कि आपने कितना सीखा, ओके फ्रेंड्स। बहुत ही सरल तरीका है ये इंग्लिश सीखने का। आप रोज एक सेंटेंसेस का एक फॉर्मेशन उठाओ, एक फॉर्मूला लो और उस पर हजारों, जितना ज्यादा होता है उतना आप प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस बना बना के, फिर 50-100 सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करोगे दिमाग में, कोई जरूरी नहीं कि लिखना ही है, दिमाग में ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, तो इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद सारे इंग्लिश फिर वो आपको दोबारा रटने या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके फ्रेंड्स। सेंटेंस शुरू करते हैं, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। सीता एक गायिका है, सीता इज अ सिंगर। वे लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर गुड प्लेयर्स। वे लोग हैं एक से ज़्यादा हैं, तो वे लोग दे के साथ आर क्यों लगा, एक से ज़्यादा हैं, तो दे आर गुड प्लेयर्स। वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। यहाँ पर हम ही नहीं लिखेंगे वह के लिए, क्योंकि चीज़ की बात कर रहे हैं, तो दैट इज माई हाउस। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। वो सब कुर्सियाँ हैं, वो सब कुर्सियाँ हैं, दोज आर चेयर्स। वो सब है यानी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, इसलिए आर, दोज आर चेयर्स। यह एक लाल पेन है, दिस इज अ रेड पेन, या हम इट इज अ रेड पेन भी बोल सकते हैं। हम लोग तैयार हैं, वी आर
रेडी, तुम बहुत बड़े आदमी हो, यू आर अ ग्रेट मैन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं वीडियो के लास्ट में अभी आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप अपने नोटबुक में उतार लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपके कोई दोस्त है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वहाँ तक आप वीडियो भी मेरा शेयर किया कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और आप अगर इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो हमने एक प्लेलिस्ट में डाला है कि इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखें। उन वीडियो सारे वीडियोज़ को 7 वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियोज़ को आप देख लो, लिखना पढ़ना भी आपको आ जाएगा। अभी से जो मैंने क्लास शुरू किया है, ये इंग्लिश बोलना और समझना सीखने के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।